मोबाइल का डाटा तो ऑन किए हैं लेकिन हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है। मोबाइल डाटा ऑन बट इंटरनेट नॉट वर्किंग प्रॉब्लम, ठीक है आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए, अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम हो रखी है कि आप डाटा तो ऑन कर दिए हैं लेकिन आपके मोबाइल में इंटरनेट फिर भी नहीं चल पा रहा है, तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं? तो देखिए, इसका बड़ा आसान सा तरीका रहेगा इसको फिक्स करने के लिए। आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और अभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोबाइल नेटवर्क, इस पर क्लिक करना है। अभी आपके मोबाइल में जिस सिम में भी इंटरनेट है, जिस सिम से भी आप इंटरनेट चला रहे हैं उस पर क्लिक कर देना। तो मैंने क्लिक कर दिया, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम्स, इस पर क्लिक करना। क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रीसेट, नीचे देखिए रीसेट का एक ऑप्शन कहीं पर भी मिल जाएगा आपको, रीसेट कर देना। उसके बाद बैक करें और यहाँ पे आपको अब मिलेगा परफेक्ट नेटवर्क टाइप। परफेक्ट नेटवर्क टाइप में देखिए होता क्या है, नेटवर्क के प्रकार होते हैं कि कितने तरीके के इंटरनेट मतलब जो होते हैं, जैसे 4G 5G 3G। अब आप जिस इंटरनेट को भी यूज करते हैं हमेशा से उस पर सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप 4G चलाते हैं तो भाई 4G पे लगा दीजिए, 3G चलाते हैं 3G पे, और अगर आप 5G के यूजर हैं और आपके एरिया में वो नेटवर्क है तो उसी पे सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5G पे कर रखा है क्योंकि मैं 5G चलाता हूँ और मेरे एरिया में 5G की बहुत अच्छी नेटवर्क है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, एक ऑप्शन और मिलता है मोबाइल नेटवर्क करके, इस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो मोड है इसको एक बार बंद करके इसे चालू कर देना, ऑटोमेटिक सेलेक्ट नेटवर्क वाले ऑप्शन को एक बार बंद करें और वापस में चालू कर दें। उसके बाद बैक करें, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूज वोल्टी, ठीक है, या फिर ऐसे दिखेगा LTE, या तो ओनली LTE दिखेगा या फिर वोल्टी दिखेगा। तो इस ऑप्शन को भी एक बार बंद करें और वापस में चालू कर दें, ठीक है, इतना करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार अपने मोबाइल को आपको रीस्टार्ट कर देना है। मोबाइल को रीस्टार्ट करके वापस में अपने मोबाइल का डाटा ऑन करके देखें, जो आपकी प्रॉब्लम थी 100% सॉल्व हो जाएगी। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि हमारी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, देखिए मोबाइल की मेन सेटिंग्स के अंदर फिर से जाएं और आपको मेन सेटिंग्स के अंदर एक सर्च बार देखने को मिलता है ऊपर की साइड में, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे आप टाइप करें रीसेट। जैसे आप रीसेट टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर में या कहीं पे भी एक ऑप्शन दिखेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ, ठीक है, जिसके अंदर बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको लिखा मिलेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क्स एंड ब्लूटूथ, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं एक रीसेट सेटिंग्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक करके इस सेटिंग्स को रीसेट कर देना है। यहाँ पे बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके मोबाइल का किसी भी तरीके की कोई भी चीज डिलीट नहीं होगी, इसमें ओनली वाईफाई की सेटिंग्स रीसेट होंगी, मोबाइल डाटा से संबंधित इंटरनेट से संबंधित सेटिंग्स रीसेट होंगी, और जो आपके मोबाइल में ब्लूटूथ होता है उससे संबंधित सभी सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी। बाकी किसी चीज का फोटो वीडियो किसी भी चीज से इसका कोई लेना देना नहीं है। और जब आपकी यहाँ पे ये सेटिंग्स रीसेट हो जाए तो भाई अभी आपको इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और ये भी भाई लास्ट ऑप्शन है, जो मैंने पहली तरकीब बताई थी उसी से आपका काम हो जाएगा, ये वाला स्टेप आपको पूरा फॉलो भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।